हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। डिफ्रेंसिएशन के कुछ और मज़ेदार सम्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको रेड कलर में दिखाई दे रही होंगी ऑलरेडी पेज पे। सो एडिशन इन द लॉग, मल्टीप्लिकेशन इन द लॉग, डिवीजन इन द लॉग, इनका रिलेशनशिप जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोज़ में भी देखा हुआ है। एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी ए। अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपका ये लॉग का टर्म राइट में चला जाएगा। इन दैट केस जो भी बेस रहेगा दैट इज ए, तो वो रेस्ट टू आपका राइट हैंड से रहेगा। इसका मतलब है लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी के लिए आपको अगर डायरेक्टली एक्स का आंसर चाहिए तो यू जस्ट हैव टू बेस रेस्ट टू राइट हैंड साइड आपको करना पड़ेगा। सो एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट टू बी एज इन आपका आंसर आ जाएगा। सो चलो जो सम्स दिए हुए वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस पी, वेर पी इज अ कॉन्स्टेंट, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दीज सम्स आर कॉल्ड एज वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको प्रूव दैट करना होता है। तो प्रूव दैट के लिए सम चालू करते हैं दोस्तों। आई विल राइट समथिंग, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड, लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस करते पी। अब पहली बात तो मुझे बताओ, कैन आई जस्ट सेपरेट दिस आउट? लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे लॉग के अंदर दिखाई दे रहा है मुझे मल्टीप्लीकेशन। दैट क्लियरली टेल्स मी कि एडिशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो लॉग एक्स प्लस हो जाएगा लॉग वाई प्लस हो जाएगा पी। नाउ यू कैन स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग इट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैंने एक्स कर दिया यहाँ पे, तो लॉग का डेरिवेटिव आप सबको पता है, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, वन अपॉन एक्स होता है। सो उस हिसाब से वन अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, और साथ में डी बाई डी एक्स चेन रूल ऑफ क्या आएगा, एक्स प्लस वाई टर्म आएगा। सिमिलरली लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन बाय एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस पी का जो डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो जो पी आपकी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वाली टर्म थी, तो वो पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट टर्म हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे हटा दिए। अब टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ्रेंसिएशन लेके वन अपॉन एक्स प्लस वाई विद दिस, एक्स का डेरिवेटिव इज वन, वाई का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो चलो सारी टर्म सेपरेट आउट कर लेते हैं, और डी वाई बाय डी एक्स की टर्म्स जो है वो सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। आप लोग हेल्प करोगे? तो पहले तो टर्म्स मैं यहाँ पे सेपरेट आउट कर देता हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, और साथ में आएगी टर्म डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो सारी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड में लेके डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की एक टर्म मुझे मिली है वन अपॉन एक्स प्लस वाई वाली, करेक्ट। साथ में इधर से एक टर्म आएगी दैट इज माइनस होके आएगी वन बाय वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का टर्म मुझे दिखाई दिया, और ये जो टर्म पहली टर्म थी वो राइट साइड में अगर लेके आऊँ तो बिकम्स वन अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पे। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने अभी लेटेस्ट किया हुआ है, आपको भी आता है, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट। डी वाई बाई डी एक्स आई कीप एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा अपॉन यहाँ पे आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एक्स प्लस वाई माइनस एक्स करोगे और यहाँ पे आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो कहाँ पे, जहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे मुझे वाई के साथ माइनस वाई का कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ माइनस एक्स का कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है, और पूरी एक्स प्लस वाई की टर्म इस एक्स प्लस वाई वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। सो अब देखते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक टर्म दिखाई दे रही है माइनस एक्स बाय y, और यहाँ पे मुझे एक टर्म दिखाई दे रही है y बाय एक्स। तो क्यों ना ये माइनस एक्स बाय वाई पूरी की पूरी टर्म मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो आई गेट y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर, दिस माइनस साइन इज इंटैक्ट, एंड ये x नीचे आएगा तो बिकम्स हाउ मच एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये देखो, ये रहा मेरा dy बाई डी एक्स का आंसर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो जो प्रूफ दैट में दिया था वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियली प्रूव कर दिया। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। चलो सेकेंड सम के लिए जाते हैं। सेकेंड सम में हमें दिया हुआ है इफ लॉग टू द बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 2,
है ना। तो हमें शो दैट करना है, शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस 99 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। सो माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। तो चलो हेल्प करो अभी सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो भी दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, log टू द बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना इज इक्वल टू 2। अब आप मुझे बताओ आपके पास ऑप्शंस क्या है। एक तो टेक एंटी लॉग बोथ द साइड्स या फिर लॉग हटाओ वाली चीज है, लेकिन लॉग हटाने के लिए आपने कुछ चीज ऑब्जर्व करी, दिस इज बेस 10। सो बेस 10 के लिए आपको पता है यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिखी थी, लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी ए। अगर सिर्फ एक्स की टर्म मुझे लिखनी है यहाँ पे तो माई आंसर इज जो भी बेस है रेस्ट टू आपका राइट हैंड साइड। सो सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो माई आंसर इन दिस केस शुड लुक लाइक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन माइनस है पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। सो आई होप यू हैव गॉट इट। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा कंपोनेंट डिविडेंड, वैसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर्स लेके आ सकते हो। काम करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कंपोनेंट डिविडेंड प्रीवियस सम्स में किए हुए, लेट्स डू वन थिंग। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का टर्म मैं एज इट इज रखता हूं और यहां से इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं। सो लेट्स नाउ सिंप्लीफाई दिस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब रहेगा। टर्म सिंप्लीफाई करो दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 100 वाई क्यूब लेके आता हूँ, सारी टर्म्स वाई की लेफ्ट में लेके आते हैं। सो माइनस 100 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। नाउ दिस बिकम्स माइनस 101 वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 1 इज 99 और यहाँ पे आएगा एक क्यूब का टर्म। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू अंडरस्टैंड कि ये माइनस 101 तो एज इट इज रहेगा, आपका वाई क्यूब का डेरिवेटिव वुड बी 3y स्क्वायर और टर्म यहाँ पे रहेगी dy बाय dx की, साथ में 99 इंटैक्ट रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वुड बी 3x स्क्वायर। सो 3 एंड 3 गेट्स कैंसल्ड और अगर मुझे अब dy by dx का आंसर लिखना है तो माई आंसर इन दिस केस वुड बी 99x स्क्वायर अपॉन ये नेगेटिव साइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ और साथ में टर्म लिख रहा हूँ 101 y स्क्वायर। दोस्तों यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन जहाँ पे हमें शो दैट इज इक्वल टू क्या दिया था, आपको समझ में आ जाएगा वी प्रूव्ड जो हमें दिया था वो। लुक यू कैन सिंपली गो फॉर कंपोनेंट डिविडेंड ऑल्सो, बट हम लोगों ने काफी सारे प्रीवियस सम में उसकी प्रैक्टिस करी थी तो हम लोग थोड़ा अलग मेथड से सम को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। थैंक यू।